हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 26 जून और आज के इस दिन डिस्कस करेंगे 26 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन इज सी फेयर डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, मतलब सी फेयर डे कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका देखते हैं आंसर और डिटेल्स देखते हैं दोनों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 25th of June। 25th of June को सी फेयर डे मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को 25 जून को सी फेयर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन को लोगों द्वारा सी फेयर और नाविक, ठीक है, दोनों को सम्मान देने के लिए पहचाना जाता है ये। ठीक है, और क्यों उन्हें सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने समुद्री परिवहन और संचालक करके पूरे विश्व समारोह में मदद करते हैं। ठीक है, मतलब सी फेयरर जो है और नाविकों के लिए जो ये दिन जो है वो मनाया जाता है, और वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो समुद्र के रास्ते के जरिए सामान पहुंचाने का जो काम करते हैं, इस चीज़ के लिए उन्हें वो धन्यवाद करते हैं। ठीक है, ये जो दिवस मनाया जा रहा है इस साल, ये 10वां एनिवर्सरी की, मतलब 10th एनिवर्सरी गांठ है इसकी। ठीक है, वर्षगांठ है 10 और 2020 में। ठीक है, और इसका जो अभियान है 2020 का, वो है सी फेयरर्स प्रमुख कार्यकर्ता हैं। ठीक है दोस्तों, अगर परीक्षा दृष्टिकोण की बात करें दोस्तों, तो इसका अगर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन महासचिव कौन है, कीटेक लीम। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मुख्यालय कहाँ पर है, ये मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन जी कौन है, वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। ठीक है, मतलब व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन। ठीक है, देख लेते हैं इसका डिटेल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ई ब्लड सर्विस। ठीक है दोस्तों, ई ब्लड सर्विस नाम का एप्लीकेशन है जो कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि ICRS के ई ब्लड सर्विस नाम का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो की शुरुआत की है। ठीक है, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDAC, ठीक है, कि ई रक्षकों टीम ने डिजिटल इंडिया के योजना के तहत जो है इस ऐप का जो निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, और इस ऐप के जो है विकसित किया हुआ। ठीक है, और ये जो ऐप है आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, और इसका डिटेल्स देख लेते हैं। सभी प्रतीक्षा परीक्षाओं के लिए उपयोगी नोट्स क्या है, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जो है वो है हर्षवर्धन जी। ठीक है, और ये आप जानते भी हो कि ये हमारे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि AHIDF को शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने पैसों की स्वीकृति की गई है। ठीक है, हाउ मच मनी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड कैबिनेट टू स्टार्ट AHIDF। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों 15,000 करोड़। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपया जो है वो सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ने जो है उसके लिए अलाउ किया है। डिटेल्स देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन अवसंरचन विकास निधि यानी कि AHIDF की स्थापना को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो फंड 15,000 करोड़ रुपए का होगा, और डेयरी के साथ साथ मांस प्रसारण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्रों में पशु चारा संयंत्र की स्थापना जो है वो इस तरह से कर देंगे, और जो कि इसके वजह से ये जो है बुनियादी ढांचे का निर्माण जो है वो निवेश से प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मतलब कि ये जो लागत जो लगाई जाएगी उसमें 15,000 करोड़ रुपए की, उन सब में चीज़ों में ये सारी चीज़ें का होने का प्रोत्साहन होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री की, तो इनका नाम है गिरिराज सिंह। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कि स्किल बिल्ड रिग्नाइट, ठीक है, स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म किस जो संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ए है, MSDE और IBM के द्वारा। इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए था, MSDE और IBM। ठीक है, तो डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है कि कौशल विकास और उद्यमी मंत्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप MSDE और IBM, ठीक है, ने
मुफ्त डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो स्किल बिल्ड इग्नाइट नाम का जो रोजगार करने का सहयोग किया है, ठीक है। और भारत में बिजनेस ओनर्स को अधिक नौकरी देने के लिए, नए संसाधन प्रदान करने के लिए जो है इस मंच की जो शुरुआत की गई है, ठीक है दोस्तों। और स्किल बिल्ड इग्नाइट के साथ साथ IBM ने स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप का भी लॉन्च किया हुआ है, मतलब कि ये और ये दूसरा, मतलब स्किल बिल्ड इनोवेशन दोनों की का ही जो लॉन्च हुआ है इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमी मंत्री की, वो है महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है। तो महेंद्र नाथ पांडे किस चीज़ के मंत्री है, MSDE के, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले तरफ की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर में जितेंद्र सिंह ने किस दो पुल का उद्घाटन किया हुआ, ठीक है। विच टू ब्रिज इनोग्रेटेड बाई जितेंद्र सिंह इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, देविका और पुनिजा, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर देखो, जैसे कि मैं आपको बताया देविका और पुनिजा है। डिटेल्स क्या है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर और टोडा जिले में दो पुल देविका और पुंजा का पेश किया है, ठीक है। और उद्धमपुर में देविका नदी पर बने पुल को सीमा सड़क संगठन ने 15 महीने में के भीतर जो है वो पूरा किया है। वहीं पुंजे पुल का निर्माण जो है, यानी कि पुंजे पुल का निर्माण जो है वह 36 महीनों में सड़क संगठन BRO, BRO क्या है, BRO एक सड़क संगठन है, उसने इसके द्वारा जो है 36 महीनों में पूरा किया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट की बात करें, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट कौन है, गिरीश चंद्र, ठीक है, ये हमारे लेफ्टिनेंट है, ठीक है। तो ये वो दो वो पुल हैं जिनका निर्माण किया गया है, और ये है हमारे कौन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे को कैबिनेट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। विच एयरपोर्ट रिसीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस बाई कैबिनेट, तो इसका आंसर दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। डिटेल्स देख लेते हैं, और इसके पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है, ठीक है। हवाई अड्डे की अंतरिक्षीय स्थल घरेलू और अंतरिक्षीय पर्यटन क्षेत्र और क्षेत्र आर्थिक विकास और बढ़ावा देने के लिए, मतलब इसको जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो इसीलिए इसको बनाया गया है, क्योंकि इनके हिसाब से कि इस वजह से जो है पर्यटन का आना जो है इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जो कि हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम आएगा, ठीक है। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो एक बार उत्तर प्रदेश का मैप डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है दोस्तों ये रेड कलर का हाईलाइट, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। योगी है इस मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403, ठीक है। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय वृक्ष के अशोक, और राजकीय फूल क्या है, प्लास, ठीक है दोस्तों। ये है डिटेल्स उत्तर प्रदेश की, ये सारे ही डिटेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस सरकार ने, ठीक है, एक तू खेलो एक तू पढ़ो, ठीक है दोस्तों। किस सरकार ने एक तू खेलो एक तू पढ़ो योजना की शुरू की है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा ने एक तू खेलो और एक तू पढ़ो नाम का जो इनिशिएटिव जो भी आप कह सकते हो कि लॉन्च किया हुआ है, और डिटेल देख लेते हैं ये क्या है कि त्रिपुरा सरकार ने एक तू खेलो एक तू पढ़ो नाम की जो है गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए अनूठी कार्रवाई जो है प्रकाशित की हुई है, ठीक है। इस नई योजना में व्हाट्सएप या SMS सेवाओं के माध्यम से पढ़ाने के लिए या पढ़ाने के लिए सीखने और गतिविधि को सरल परियोजना, ठीक है, मज़ेदार गतिविधियां और गेम्स के संदेश पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्र को शामिल करने का इरादा किया गया था। मतलब कि इस परियोजना के तहत आपको चाहे व्हाट्सएप कह लो आप, ठीक है, चाहे फेसबुक आप कह लो, या कोई भी ऑनलाइन माध्यम हो, इसके थ्रू जो है शिक्षा देने की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। इस नई योजना के, ठीक, अभिभावक के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अगर जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें जो है वो आप SMS के थ्रू जो है इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बात हुई त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार दुबे जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, इनके राज्यपाल है रमेश बैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसरो इसरो है इसरो जो भारत की जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों, इसरो द्वारा नई पहल का नाम क्या है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वारा अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव बाय इसरो व्हिच इज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, इन स्पेस, ठीक। डिटेल्स देख लेते हैं,
तो इन स्पेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका आंसर है जो कि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, जो कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है। तो डिटेल्स क्या है इसकी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस स्थापना जो है का स्वीकार कर लिया है। ठीक है, यह जो है पूरी तरीके से तरह से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ को लॉन्च करने का मतलब ये है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज है, जैसे कि आप जानते होंगे एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स करके, ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस से रिलेटेड काम करती है। तो ऐसे कंपनी को आकर्षित करने के लिए जो है ये प्रोग्राम इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है KS सिवन। ठीक है, ये स्थित कहाँ पे इसरो, इसका हेड ऑफिस मुख्यालय बेंगलोर में है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, ये हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रनवे के दोनों सिरों पर AWMS पाने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? ठीक है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स द फर्स्ट इंटर एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट AWMS टू बोथ एंड्स ऑफ रनवे? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, केम्पू गोड़ा एयरपोर्ट जो है इसका आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी क्या है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया केम्पू गोड़ा एयरपोर्ट, इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही शानदार दिखता हुआ एयरपोर्ट है केम्पू गोड़ा। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी कि केम्पू गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु पे स्थित है, रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, AWMS बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट BIAL द्वारा स्थापित किया गया है। यह तकनीकी बेंगलोर स्थित CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, अगर AWMS की विशेषताएं बताएं, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली जो है आपको वेदर के रिगार्डिंग सारी नॉलेज देता है। और ये दोनों ही छोर पे इस एयरपोर्ट में स्थित हुआ है। ठीक है, और AWMS सेंसर को 10 मीटर के मास्ट पर स्थापित किया गया है जो कि अपनी तरह का सबसे पहला यानी कि फर्स्ट है। ठीक है, जिसे NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन किया गया हुआ है। ठीक है, इसमें इको फ्रेंडली, लाइट वेट सहित कई अनूठी विशेषताएं हैं और 60 वर्ष से अधिक का जीवन काल है। ठीक है, मतलब इसके अगर वैलिडिटी की बात करें या इसकी बात करें कि कब तक चल जाएगा, तो इसका अनुमान है कि लगभग लगभग 60 ईयर्स तक जो है ये चलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो केम्पू गोड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ने से पहले बात हुई थी कर्नाटका की, तो फिर डिटेल्स देख लेते हैं। कर्नाटका जो है ये मैप में यहाँ पे आता है, इसके राजधानी जो है वो बेंगलुरु है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा। ठीक है, और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है वजूभाई वल्ला। इसके लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा की सीट है 225 और विधान परिषद सीटें हैं 75। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, जैसे कि आंसी नेशनल पार्क हो गया, केंद्रमुख नेशनल पार्क हो गया, नगरोल नेशनल पार्क हो गया, और ये कुछ प्रमुख बांध है। ठीक है, जैसे कृष्णा राज सागर बांध, कावेरी जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, दोनों ही कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 कौन से राज्य ने जीता है? ठीक है दोस्तों, तो विच स्टेट वॉन ई पंचायत पुरस्कार 2020? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। करेक्ट आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश है। और ये है क्या बेसिकली कि हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत, ठीक है, राज्य विभाग ने ई पंचायत सरकार 2020 का तहत जो है प्रथम पुरस्कार जो जीता है। ये पुरस्कार जो है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के करीब 3,226 पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा जो है इसके तहत प्रदान की गई है और लोग ऑनलाइन विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं जो है वो ऑनलाइन पंजीकृत हो गई है। ठीक है, अब बात हुई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। ठीक है, इसके गवर्नर है बांडुरू दत्तात्रेय। ठीक, और केंद्रीय पंचायत राज मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल्स में देख भी पा रहे हैं, हमने एक छोटे छोटे पॉइंट्स में हाईलाइट कर रखा है जो कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, देवभूमि हिमाचल को मिला है ई पंचायत पुरस्कार का 2020 का जो पुरस्कार है वो हिमाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की
महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट, ठीक है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, फर्स्ट फीमेल कहा गया, यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की जो भी अध्यक्ष थे वो आज तक कोई भी फीमेल इसकी अध्यक्ष नहीं बनी थी, ये जो जो भी बनी है अब वो है फर्स्ट फीमेल बनी, और बनी कौन है, बनी है ये, ठीक है, क्लेयर कॉनर, ऑप्शन ए हमारा सही है। डिटेल्स इसकी देख लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जैसे कि मैं आपको बताया, क्लेयर कॉनर, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं क्लेयर कॉनर ये है जो कि इंग्लैंड की जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर है, ठीक है। तो इंग्लैंड के पूर्व महिला क्रिकेट की कप्तान जो है क्लेयर कॉर्नर, जो कि 43 वर्ष की हैं और एक ऑलराउंडर भी हैं, वो 233 वर्ष में पहली बार मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का जो स्थापना हुई थी वो 233 साल पहले हुई थी, और तब से लेके अब तक कोई भी इसकी फीमेल अध्यक्ष नहीं बनी थी, ठीक है। तो ये जो है वो पहली बार इनकी फीमेल अध्यक्ष बनी है, ठीक है। उनका कार्यकाल जो है वो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा और 30 दिसंबर 2020 तक समाप्त होगा, यानी कि 12 महीने का बेसिकली जो है वो कार्यकाल होता है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का, ठीक है दोस्तों। वह इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड 2007 से महिला क्रिकेट की वर्तमान प्रमुख हैं, ठीक है, थीके? और वर्तमान एमसीसी अध्यक्ष अगर बात करें तो कौन है, वो है कुमार संगकारा, जो कि फर्स्ट गैर ब्रिटिश एमसीसी अध्यक्ष है, ठीक है दोस्तों। तो दो बात है यहाँ पे, पहली बात ये कि फर्स्ट फीमेल जो बनी है वो है ये क्लेरा, और दूसरी बात ये थी कि फर्स्ट नॉन ब्रिटिश एमसीसी के अध्यक्ष कौन थे, वो थे कुमार संगकारा। कुमार संगकारा कौन है, ये श्रीलंका के फॉर्मर प्लेयर हैं, ठीक है, विकेट कीपर हैं और बैट्समैन है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, और 24 जून को एक वार्षिक आम बैठक के दौरान जो है वो कुमार संगकारा ने क्लेयर कॉर्नर का नामांकित किया था, और जिसके तहत जो है इन्हें वो अब एमसीसी का जो बोर्ड अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। एमसीसी के अध्यक्ष कार्यकाल जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया 1 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन कुमार संगकारा का कार्यकाल जो है वो महामारी यानी कि जो कि कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, कोविड-19 के वजह से जो 12 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया जाता है, और उन्हें जो है 2019 में ये पद संभाला था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको दो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, पहला जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फीमेल कौन थी, वो एक क्लेयरा कॉनर है, और फर्स्ट नॉन ब्रिटिश कौन है, नॉन ब्रिटिश वो है कुमार संगकारा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, आप अपने ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि जो आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल सके। ये हमारा दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप हमारी करंट अफेयर्स या फिर और भी बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स कुछ अगर आप देख पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर हमारा फेसबुक का पेज अगर आप लाइक करना चाहें तो ये हमारा फेसबुक का पेज का लिंक है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल दोस्तों सेम वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।